हमीरपुर के बाल स्कूल में चल रही 2 दिवसीय राज्य स्तरीय बैंड बाजा प्रतियोगिता का समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिरकत की और विजेता टीमों को पुरस्कार भी दिया गया। प्रतियोगिता में पहले स्थान पर शिमला जिला के स्कूल ने बाजी मारी और नालागढ़ दूसरे स्थान पर रहा। इस अवसर पर विधायक हमीरपुर नरेंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे। हमीरपुर के बाल स्कूल में चल रही 2 दिवसीय राज्य स्तरीय बैंड बाजा प्रतियोगिता का समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिरकत की और विजेता टीमों को पुरस्कार भी दिया। प्रतियोगिता में पहले स्थान पर शिमला जिला के स्कूल में बाजी मारी और नालागढ़ दूसरे स्थान पर रहा। हमीरपुर के लोहारली स्कूल तीसरे स्थान पर रहा। बहन लड़कियों के वर्ग में भी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पोर्ट मोर शिमला के स्कूल में बाजी मारी। इस अवसर पर विधायक हमीरपुर नरेंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश में अध्यापकों को खाली पड़े पदों पर कहा कि कांग्रेस के समय में अध्यापकों के पदों को नहीं भरा गया था और शिक्षा विभाग पूर्व में कांग्रेस कार्यकाल में मुख्यमंत्री के पास रहा और अपने समय में भर्तियों को नहीं किया और जाते जाते कांग्रेस सरकार ने रेवड़ियों के बाद स्कूल खोले हैं, लेकिन अब बीजेपी सरकार धीरे धीरे अपना काम करने में लगी हुई है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो रही बाहरी अध्यापकों की भर्ती को लेकर कहा कि बाहरी अध्यापकों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बाहरी व्यक्तियों को न्यूनतम 2 परीक्षाएं हिमाचल के पास करनी होगी और नियमों के लिए लोक सेवा आयोग से जल्द बात की जाएगी। राज्यों के जो प्रशिक्षु शिक्षक हैं उनको भी मौका दिया जा रहा है? नहीं नहीं, टीजीटी में नहीं हुआ है कहीं। नहीं, लेक्चरर में वो गलत इंटरप्रिटेशन की है लोक सेवा आयोग ने। हमने पिछले 2 वर्षों में किसी प्रकार से किसी नियम में कोई अमेंडमेंट नहीं की है। जो नियम 2017 से पहले से चले आ रहे हैं वही नियम के अंतर्गत जो है वो उनको करना है। लेकिन पहले जो है वो इंटरव्यू होता था, अब केवल रिटर्न टेस्ट होता है, इसलिए उसमें जो है वो थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन वो भी कैबिनेट ने जो है वो रूल जो पुराना था कांग्रेस के टाइम का बना हुआ उसमें अमेंडमेंट कर दी है। अब हिमाचल प्रदेश से जो 2 एग्जाम पास करना कंपलसरी कर दिया गया है, तो इसलिए वो शायद लोक सेवा आयोग ने उसको देखा नहीं है, उसको जो है अमेंड किया जाएगा। क्योंकि इन्वेस्टर मीट में माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, अगर उसको आवश्यकता पड़ी कैबिनेट में ले जाने की तो कैबिनेट में ले जाएंगे। लेकिन जो नियम पुराने हैं उसी नियम के अनुसार और हिमाचल के विद्यार्थियों को जो है उसमें तरजीह मिले, प्राथमिकता मिले, इसका ध्यान जो है वर्तमान सरकार दे। राज्य स्तरीय बैंड बाजा प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोहारली के छात्र की बेल्ट के मुद्दे पर अध्यापक द्वारा थप्पड़ मार दिए जाने पर मामला गर्मा गया। इस मामले को लेकर जब शिक्षा मंत्री से बात की गई तो शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मजाकिया अंदाज में बात को टाल दिया और कहा कि अपने समय में बहुत थप्पड़ खाए हैं लेकिन उसमें ऐसे मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भी बात की जाएगी कि थप्पड़ किसकी गलती को लेकर मारा गया था। शिक्षा में क्या क्या हो रहा है, मीडिया का ये भी एक जिम्मेवारी है कि वो पॉजिटिव जो है न्यूज भी दे। केवल मात्र जो है वो एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया, हमारे को तो बहुत थप्पड़ मारे हैं टीचर ने, आप लोगों को शायद नहीं मारे होंगे। बिल्कुल, हमने बहुत मार खाई है टीचर से और कभी किसी हमारे पेरेंट्स जो है वो स्कूल नहीं गए इसके बारे में जो है कंप्लेंट करने। अब अगर कोई ऐसी विशेष बात है तो हम पता करेंगे कि क्यों मारी है, क्या उसकी गलती के लिए मारा है या प्यार से मारा है उसको, ये भी हो सकता है। बैट टूट गई होगी तो बता रहा होगा, उसको प्यार से भी मार सकता है कोई टीचर। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि मीडिया को जो है वो मीडिया समाज का है एक अंग है, हम फोर्थ पिलर कहते हैं इसको, कई बार नहीं ध्यान में लाते हैं लोग। लेकिन ना टीचर ने क्या किया है हम पता कर लेंगे, अभी डिप्टी डायरेक्टर है यहाँ पर, हम उनसे कहेंगे इंक्वायरी करें कि क्या बात हुई है, किस कारण से हुई है, क्या उस स्टूडेंट्स को भी तकलीफ है या नहीं है, तो ये जानकारी ले लेंगे।